हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको आज हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, जैसा आपको पता है कि जो किंगडम होते हैं पांच प्रकार के होते हैं। किस साइंटिस्ट ने दिया था? आर.एच. विटकर ने। कौन कौन से पांच किंगडम है? मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, जिसमें सारे शैवाल आते हैं। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई में जितने सारे फंजाई हैं, फंजाई के अंदर आते हैं। उसके बाद प्लांटी, प्लांटी में जितने सारे प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। उसके बाद एनिमिलिया, एनिमिलिया में जितने सारे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स जितने सारे एनिमल्स हैं एनिमिलिया किंगडम के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है कितने पार्ट में बांटा गया है। प्लांट जितने हमारे पूरे अर्थ पे प्लांट हैं उनको कैटेगराइज किया गया है पांच फाइव फाइलम में। कौन कौन से फाइलम है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वन बाय वन करके हमको प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है कि एल्गी का क्या करेक्टर है, ब्रायोफाइट का क्या करेक्टर है, टेरिडोफाइट का क्या करेक्टर है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और इनके अंदर कौन कौन से ऐसे प्लांट आए हैं जिसके अंदर हमको पढ़ना होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एनसीईआरटी का, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है? एल्गी जो सबको पता है किस किंगडम में आता है, एल्गी एल्गी प्लांट किंगडम है। तो एल्गी कैसा प्लांट है? फोटोसिंथेटिक प्लांट है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एल्गी जो है उसको बांटा गया है थ्री क्लास में, या उसको कैटेगराइज किया गया थ्री पार्ट में। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन से एल्गी आते हैं? ग्रीन एल्गी के अंदर वे एल्गी आते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे लाइक कारा, क्लेमाइडो स्पोर, क्लेमाइडोमोनास, वॉल वॉक्स, क्लोरेला, ट्रायडोफोरा एंड यूरोथ्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को अगर हम लोग बोले तो फियोफाइसी, क्या बोलते हैं? फियोफाइसी एल्गी बोलते हैं। और ग्रीन एल्गी को बोलेंगे क्लोरोफाइसी एल्गी, ब्राउन एल्गी को बोलेंगे फियोफाइसी एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन कौन से ऐसे एल्गी होते हैं लाइक फ्यूकस, एक्टोकार्पस, स्केल्प, सार्गासम, लेमिनेरिया एंड डिक्टियोटा। जैसे हमको पता है सारे एल्गी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, और हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। अगर हम लोग बात करें सार्गासम और लेमिनेरिया की, जो सार्गासम एंड लेमिनेरिया एल्गी होते हैं यूज होते हैं एज अ फूड के रूप में एंड फोडर के रूप में एनिमल्स के लिए। और इसमें हम लोग बात करें क्लोरेला की, एक फूड सप्लीमेंट होता है। क्यों इसको फूड सप्लीमेंट क्यों बोल रहे हैं? कि इसमें रिच ऑफ प्रोटीन्स होती है जो यूज होती है। किसके बाद? स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जब स्पेस में जाते हैं तो क्लोरेला को लेके जाते हैं। और एक और एल्गी है स्पिरुलिना, उसको लेके जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं। इसके बाद हम लोग और ये जो एल्गी क्लैडोफोरा, ई पी फाइव इसको बोल रहे हैं। ई पी फाइव तो बोल रहे हैं कि ग्रो करता है किसके? स्नेल के ऊपर। उसके बाद हम पढ़े एल्गी के बारे में। अब बचा रेड एल्गी है जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। अब रेड एल्गी के अंदर जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया जो है इसका भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस हम लोग को पढ़ना है। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर, जब एल्गी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो एल्गी के बारे में पढ़ेंगे जो लास्ट में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की, इन एल्गी का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो वैसे मैं यहाँ बता दें जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया का यूज होता है फूड के रूप, एज अ फूड, जैसे लाइक जेली और आइसक्रीम बनाने में, ठीक, उसका यूज होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। उसके बाद हम लोग पढ़े ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट पर हम बात करें तो एल्गी और ब्रायोफाइट जो है गैमेटोफाइट प्लांट्स हैं, और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट प्लांट्स हैं। क्यों हम लोग इसको स्पोरोफाइट और इसको गैमेटोफाइट बता रहे हैं? अब हम लोग उसको जब डिटेल में पढ़ें तब मैं उसको बारे में बताऊँगी कि क्यों गैमेटोफाइट बोल रहे हैं एल्गी ब्रायोफाइट को, और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हैं। तो अब हम पढ़ें ब्रायोफाइट में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? मार्केंसिया, लिवरवर्ट, स्पेगनम, पॉलीट्राइकम एंड फिनेरिया।
इसके बाद हमको पढ़ना है टेरिडोफाइट। जैसे मैं बताई हूँ कि अभी टेरिडोफाइट जो स्पोरोफाइट प्लांट है उसमें दोनों स्टेज होती है, स्पोरोफाइट भी बोलेंगे गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। लेकिन जो स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होती है इस प्लांट की और लॉन्ग टाइम होती है, इसलिए इसको बोले स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट में कौन कौन से प्लांट होते हैं इसका एग्जाम्पल देखो, टेरिस ड्राइवटेरिस साल्वेनिया लाइकोपोडियम सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, ये जो सारे प्लांट है टेरिडोफाइट के अंदर। आपको इसमें याद क्या करना है, एग्जाम्पल याद करें, क्योंकि एग्जाम्पल याद करें क्योंकि ये मिक्स करके दे देता है। आप एग्जाम्पल नहीं याद करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ब्रायोफाइट है कौन सा टेरिडोफाइट। तो आपको एग्जाम्पल इसमें इस पहले तो आपको एग्जाम्पल याद करें, डिटेल बाद में पढ़नी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ज़्यादा प्लांट नहीं है, सबसे कम स्पीस जिम्नोस्पर्म की पाई जाती है हमारे यहाँ पे। सबसे कौन कौन जिम्नोस्पर्म प्लांट है, गिंगो सीकोया सिड्रस पाइनस एंड साइकस। उसके बाद एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा प्लांट, सबसे ज़्यादा वेराइटी किसकी होती है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म जितने हमारे अराउंड प्लांट है लाइक नीम पीपल जितने हम आस पास अपने प्लांट देख रहे हैं कोकोनट्स, ये सारे कौन से प्लांट है एंजियोस्पर्म।